अरे कैसा ले गए थे? अरे अभी मैम का बैकड्रॉप है भाई। हाँ हम लोग बैकड्रॉप उधर कर रहे हैं। यस मैम, हाँ दिख में दीजिए। निया विद निया। तो लेट जा। हाँ जी, तो सबसे पहले झलक दिखला जा कि साइलेंस साइलेंस पीछे आ जाओ थोड़ा। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। क्या हमारे सामने सबसे झलक दिखला जा इज अ शो जो मुझे बहुत टाइम से करना था, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से करना था। ये एक शो है जहाँ पे सारा यू नो यू वॉन्ट टू बी देयर, लाइक इट्स ऑल स्टार्स लाइक दिस सेट की गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सो इट लुक्स लाइक दैट। और आज फाइनली वो मौका आया है 11 साल के बाद दैट आई एम डूइंग दिस शो, सो इट जस्ट फील्स अनरियल। और जब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है इट्स एक्सक्रूशिएटिंग। आई थिंक मैं हॉल में ही अपना पिलो और अपना ब्लैंकेट लेके जा चुकी हूँ, बट अदर देन दैट आई थिंक वी हैव शॉट, वी कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट एपिसोड राइट, नॉट इन डिटेल। सो द शूटिंग फॉर इट जस्ट फेल्ट वेरी वेरी ब्यूटिफुल, सो आई हैव शॉट फॉर इट। एंड द फर्स्ट परफॉर्मेंस, द जिटर्स, द एंगजाइटी, पैनिक अटैक्स, मैंने सब फील किया है। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस जब आप देते हो और वो अच्छी जाती है, दैट फील्स लाइक एवरीथिंग। सो आई हैव फेल्ट माय बेस्ट एंड आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ। मैम डांस रियलिटी शो है, आप कितना आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना, और मतलब रियल लाइफ में आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना? सो कैन आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो शायद अपने फैमिली फंक्शंस में बहुत नाचती है। हम दिल्ली से हैं राइट, सो तारे गिन गिन याद ना तेरी, यू नो टिपिकल पंजाबी डांसेस। और फिर यहाँ पे जब मैं आई मुंबई में, सो आई लव्ड पार्टिंग एट वन पॉइंट, तो मैं सुबह तक पार्टीज करती थी, तो मैंने बहुत डांस किया लाइफ में। नाउ सडनली कट टू यू आर ऑन अ स्टेज जहाँ पे आपको प्रोफेशनल डांस करके दिखाना है, दैट फॉर दैट यू आर बीइंग जज्ड। मैंने वो फीलिंग कभी एक नहीं आई सॉ, बट जब उस स्टेज पर मैं गई फर्स्ट टाइम द ग्रैंड स्टेज ऑफ झलक, आई फेल्ट सो नर्वस, बट इट फेल्ट वेरी वेरी गुड, आई फेल्ट वेरी पावरफुल दैट डे। सो या आई मीन मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है डांस में, सो फ्रॉम दैट पंजाबी डांस एंड डांसिंग इन क्लब्स टू नाउ डांसिंग ऑन अ प्रॉपर स्टेज, आई थिंक द जर्नी इज गोइंग टू बी ग्रेट एंड आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट। झलक दिखला जाए की बात की जाए, जजेस की बात की जाए, तो माधुरी जी हैं, करण जौहर हैं, नौरा फतेही हैं। आई मेट एवरीबडी एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड वाले दिन। और आपको कहीं बार लगता है कि जजेस हैं, यू नो पता नहीं क्या बोल देंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, बट द एंटायर वाइब वाज सो ब्यूटीफुल, दे वर ऑल्सो पॉजिटिव। एंड माधुरी दीक्षित जस्ट स्माइल्स, यू नो शी इज लाइक अ स्माइलिंग डॉल, एंड नौरा इज एज हॉट एज एवर। और द कॉमेंट्स, द वॉर्म्थ दैट दे शो, आई फेल्ट वेरी वेरी वेलकम्ड। करण सर ऑल हार्ट, एवरीबडी वॉज ऑल हार्ट, सो I can go on and on, but it was a very positive first day. So jitna bhi anxiety thi nikal gayi, you know, you just want to now perform, you just want to have fun there, aisa. Done, thank you guys. Roll chalo. Rubina ji, sabse pehle to janna chahenge ki jhalak dikhla jaye ki as a contestant aap bhag le rahi hain, to kaisa raha aapka safar, ye jhalak dikhla jayega shuruaat hai, kya kya सफ़र अब शुरू होगा। शुरुआत अच्छी हुई है और अब आगे 3 महीने का सफ़र जो है, आई ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे लिए एक नया अरीना है, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, सो आई एम मार्चिंग फॉरवर्ड इनटू दिस एक्सपीरियंस विद एब्सोल्यूट यू नो ओपन आर्म्स। एंड आई एम हियर टू शोकेस सम ऑफ माय मूव्स, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरे फैंस यहाँ पर भी उतना ही प्यार दें। मैम रियल लाइफ में अगर डांस रियलिटी शो की बात की जाए, डांस की बात की जाए, तो आप कितना पसंद करती हैं डांस को, कितना अच्छा लगता है आपको डांस करना? आई एंजॉय डांसिंग आई मीन एक आई थिंक एक कलाकार के लिए संगीत और नृत्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कहते हैं ना इनबिल्ट इनग्रेन्ड एस्पेक्ट्स हैं for their art. So mere liye music and dancing is something which comes very passionately and naturally, and I enjoy dancing. Judges ki baat ki jaye to matlab judges kaise dekhte hain? We have the most fabulous panel of judges, from a multifaceted Karan Johar to the hot sensation of nation Nora Fatehi and the ultimate diva Madhuri ma'am, and it is an absolute honor to perform in front of them, and it is
I am looking forward to each single episode when I'll be performing in front of them. Ma'am, Women's Equality Day है आज, तो कैसे देखती हैं Women's Equality Day को? I believe in equality of men and women, and women should be independent. They should have financial independence, emotional independence, and that's what I pray for each and every woman who is listening to this interview right now. Thank you. God bless you. शिल्पा मैम, ये साइड देखिए ना, अरुण एक मिनट भूमि, हाँ 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 मुझे पता है शिल्पा मैम होने के बाद ना आजा बारे रुको तो जरा शिल्पा मैम ये साइड देखिए आपके राइट में मैम राइट में देखिए माइंड भाई ये भूम पकड़ा ना चल आजा या चलो हाय शिल्पा जी हेलो चलो रोल है हाँ हाँ झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है आज आप हमें यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम के बाद काम कर रही हूँ जो मेरा हमेशा फंडा रहा है काफ़ी लंबा गैप हो जाता है लेकिन वही आप पूछोगे ही सवाल कितने टाइम के बाद क्यों पूछोगे आप खुद ही बता दीजिए हमारे हाँ एक ही लाइन में हो जाएगा इसीलिए नहीं बिल्कुल क्योंकि बेसिकली काम की ऑफर आते ही एक होता है ना कि काम आपको पसंद भी आना चाहिए मेरा तो ऐसा ही है कि मुझे काम अच्छा लगना चाहिए तो मैं कर पाती हूँ और जब हम खुद 100% कर पाते हैं तो दर्शक खुश होते हैं तो मेरा बिग बॉस का भी वही था जब भी बिग बॉस का भी पसंद नहीं था शो लेकिन जब हाँ बोला कर लिया तो 100% फेथ के साथ कर लिया मैंने और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया और आज भी मैं सारे दर्शकों की सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मैं जिन लोगों के साथ मैं जीती हूँ मुझे बहुत खुशी है इस बात की बट क्या होता है कि आप एक काम करने के बाद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है तो फिर कोई भी काम पैसे के लिए करना मज़ा नहीं आता तो वो काम वैसा होना चाहिए जो लोग भी मज़े लें और झलक उस वक्त के बाद मतलब हमारे बिग बॉस के बाद अभी पहली बार आ रहा है तो शायद मेरे लिए रुका हुआ था बिल्कुल आपके लिए रुका हुआ था तो हाँ यू नो अब शिल्पा जी ये वुमेन्स इक्वालिटी डे है तो क्या कहेंगे उसके बारे में ऐसा है क्या तो बस यही कहना चाहूँगी अभी तो राज तो औरतों का ही चल रहा है तो क्या कहना वो चलता रहेगा एंड जजेस होंगे करण और माधुरी जी उनके सामने जब परफॉर्म करना कितना आप मानती हैं कितना इजी हो जाता है या कितना टफ हो जाता है नर्वसनेस आती है हाँ बिकॉज करण सर तो बहुत चिलपिल लगते हैं मुझे बट लगता नहीं कि वो मार्क्स देते वक्त वगैरह ऐसे होंगे वो हर चीज़ सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं वो तो डांस के लिए भी कमेंट करेंगे ऐसा लगता है माधुरी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ मतलब उनके सामने तो मतलब मैं स्पीचलेस ही हो जाऊँगी मुझे पता है मेरे से कोई शब्द ही नहीं निकलेंगे क्योंकि माय गॉड मेरे ऐसे है उनके लिए नौरा जी तो बहुत अच्छा डांस करती है हम सब ने देखा है तो पता नहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे कि मैं फर्स्ट मेरा जो परफॉर्मेंस है वो माधुरी जी के गाने में ही पे ही है घाघरा घाघरा मेरा घाघरा तो मुझे वही डांस से ज़्यादा मुझे वो डर लग रहा है कि एक्सप्रेशन में जो क्वीन है तो उस उनके डांस पर डांस करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है मेरे लिए कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कैसा कौन सा टफ कंटेस्टेंट आपको याद है बहुत टफ है बहुत टफ इन द सेंस अच्छी बात है कि सब अपने अपने जगह पे मुझे बहुत ही पॉपुलर और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको तो उस हिसाब से जैसे उनके फैंस है वो भी हमको मिल जाए तो अच्छी बात है तो अच्छी कंपटीशन है अच्छा लग रहा है पूरा ओवरऑल अच्छा सेटअप लग रहा है क्योंकि मैं हूँ ग्रेट क्योंकि आप हैं थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू
ये पीछे लो उधर करेगा। अरे तुम लोग का बड़ा ना कट करते हो फिर भूल जाते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मैं झलक में आऊँ एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ बिकॉज इतने सीनियर एक्टर्स हैं जो आपके यू नो कंटेस्टेंट्स हैं सो ऑफ कोर्स नर्वस तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। मैम कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कंटेस्टेंट्स कौन लग रहे हैं? सारे हैं बिकॉज सारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं और सब ने इतना काम किया, सब लोग इतना पहचानते हैं उनको। सो हाँ मेरे मैं तो बहुत ही छोटी हूँ उनके सामने। सो मेरे लिए तो सारे कॉम्पिटिशन है एंड एवरीबडी इज सो गुड विथ वॉट एवर दे डू। सो हाँ मेरे को बस अपना बेस्ट करना है ताकि थोड़ा ऊपर पहुँच जाऊँ। एंड यू नो जजेस भी हैं, करण माधुरी जी हैं, नूरा फतेह जी हैं, उनके सामने परफॉर्मेंस के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उससे ज़्यादा नर्वस हूँ। मेरे को पता नहीं बिकॉज फर्स्ट परफॉर्मेंस भी जब हुआ था मैं ऐसे थी, आई वाज लाइक ओके ओके, बट हाँ अभी जब होने वाला है सेकेंड परफॉर्मेंस उसके आई बी वेरी वेरी नर्वस। सो कौन कौन से आपके फेवरेट गाने हैं जिनकी तरफ से आपने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं? एंड ये जवानी है दीवानी हाँ मेरी रानी रुक जाओ रानी, आपको हिंट मिल ही गया होगा। ओके सुपर। सो अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है आप झलक दिखला जाने परफॉर्मेंस के लिए कि प्लीज़ बहुत सारा प्यार करते रहिए मेरे को और आपकी वोटों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एक तो सारे सीनियर लोग हैं और मैं एकदम छोटी सी, सो आपका बहुत सारा प्यार चाहिए मेरे को। सो देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट थोड़ा, दिस इज नॉट हमें पता नहीं था। हेलो मैम, यार थैंक यू। ये हमारा साइड जी और टी। यस हो चुकी है अंकल। सो बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं अंकल? एक्साइटेड मतलब अभी हम पागल हो चुके हैं, हमारे को कुछ पता नहीं है। मैं तो हो चुका हूँ इसका नहीं पता बिकॉज यार झलक दिखला जा में आना, नीचे करो यार बच्चे हैं ना, यानी कि झलक दिखला जा में आना बहुत बड़ी बात है बिकॉज जो झलक दिखला जा शो है सालों से चल रहा है और इतना पॉपुलर शो है उसमें मैं आ रहा हूँ, मतलब हम दोनों आ रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे मॉम डैड के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था तभी जब हमें पता चला कि मैं झलक दिखला जा में आ रहा हूँ एज ए कोरियोग्राफर। और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं सोच रही थी झलक दिखला जा तो मैं आ गई पर कोरियोग्राफर्स भी है मेरे साथ, मैं बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि पता नहीं कोई भी अगर कोई अलग डांसर हो गया तो कत्थक आ गया, अगर कोई ऐसे ऐसे करने आ गया तो क्या हाल एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों ऐसा नहीं है कि
एक दूसरे को मैं इसको सिखा रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं, वो भी मुझे स्टेप्स सिखा रहे हैं क्योंकि मेरे को उसका स्टाइल नहीं आता है एंड उसको मेरा स्टाइल नहीं आता, हम दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं, हम एक दूसरे को एक साथ ग्रो कर रहे हैं ताकि हमारा हर परफॉर्मेंस अच्छा रहे एंड जो हमारे मेंटोर है सागर सर तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारा एक्सेप्ट और वो भी मेरा स्टाइल डिजिटल ब्रेकर स्टाइल डांस में थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे तुम अपना स्टेप दिखाओ तुम अपना स्टेप दिखाओ, वो खुद का स्टेप भी डाल रहे हैं, उसके बाद उनका सर ना ऐसे लावा की तरह फट गया था, इतना दिमाग लगा रहे थे हम पर, तो हम लोग उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे कि उनको तकलीफ ना हो, हम लोग एक ही बार में सीखेंगे उसके बाद हम लोग बेस्ट देंगे अपना। ओके, अब आप लोग सिर्फ एक इनको एक स्टेप दिखाएंगे दैट्स इट, जो भी हिप हॉप चलो पीछे मड़ा बूम मड़ा जो आपको चलो सब पीछे हम ये नहीं ये नहीं ये वाला कर अपना मैंने योर फेवरेट ब्रदर वीडियो बनाया था जो ये नहीं 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 भाई मोबाइल किधर था कैमरे ये वीडियो के लिए बनाया था हमने सागर सर का जिसने हमको कल इसको वीडियो भेजा था क्या बलमा यहां से कैसे करेंगे ये भैया को सब भूल जाते हैं। ओके थैंक यू सो मच गुड लक एक मिनट रुको एक मिनट यार मैं काट रही हूँ तो भाई हील में बहुत लग रही है नॉर्मल करो मुझे लग रहा है लड़कियाँ कितने मैनेज करती हैं बहुत करती हैं पहली बार हील्स पहन रही हूँ मैं क्योंकि मैं शूशी पहनती हूँ चलो डन थैंक यू ब्रदर थैंक यू I have to give my phone. Should I give my phone? He left. I have to give. आप इसको please जेब में रख लोगे for 5 minutes. Thank you. Yes. श्वेता जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब झलक दिखला जा कितना ज़्यादा आसान है या डिफ़िकल्ट है आपके लिए मेरा एज अ कोरियोग्राफर पहला शो है सो पहली बार जो होता है ना हमेशा एक स्पेशल होता है एक स्पेशल एनर्जी के साथ आता है इंसान तो मैं उसी पॉजिटिव एनर्जी और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आई हूँ मेरा पहला शो है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगी शो के लिए एंड ट्राई करूँगी कि हम जीत के भर जाएँ श्वेता जी आपके पार्टनर की बात की जाए तो आपको कौन पार्टनर मिला है क्या कहेंगे उसके बारे में मुझे मेरा जो पार्टनर मिला है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर एक हसीन लड़का मिला है उसका नाम है पारस खलनावत एंड ही इज़ वेरी स्वीट एज अ पर्सन वो इतना प्यारा है ना कि जब आते हैं ना तो सारी लाइमलाइट उधर जाती है लड़की लड़की जाए लेकिन लड़का इतना प्यारा मिला है ना एक प्यारा सा ऑबिडेंट स्टूडेंट बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर किसी से मिलता है बहुत डाउन टू अर्थ है इट्स वेरी हार्ड वर्किंग आई शुड से और उनके साथ डांस करते हुए कैसा कितना टफ कितना आसान था आपके लिए पारस के साथ डांस करके मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ रही हैं बिकॉज पारस ने कभी पहले परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए रियलिटी शो का वाइब ही नया है उसका वाइब उसको सब बताना पड़ता है कि पारस आज स्टेज रिहर्सल्स है आज टेक्निकल्स है क्योंकि उसको कुछ एक होता है ना एक बच्चा होता है पहले दिन स्कूल में जाता तो उसको कुछ पता ही नहीं होता क्या लेक्चर्स होंगे क्या टीचर्स आएंगे क्या सब्जेक्ट्स होंगे तो पारस के लिए एवरी थिंग इज़ न्यू और ये अच्छी बात भी है बिकॉज वो धीरे धीरे सीखेगा चीज़ें और इसी से हम लोग शो आगे बढ़ेंगे कितनी मुश्किल और कितनी आसान आप मतलब कि टफ लग रहा है क्योंकि पारस जो है जैसा आपने कहा कि बिल्कुल डांस उससे नहीं आ रहे हैं हाँ तो कितना ज़्यादा आपको मतलब वो प्रॉब्लम हो रही है मुझे एज ए कोरियोग्राफर प्रॉब्लम आ रही है टू क्योंकि उनको डांसिंग हमारी ना डांस में बीट्स कहते हैं ना बीट्स पकड़ना होता है तो बीट्स उनको बतानी पड़ती हैं कि ये पकड़ना है ये पकड़ना है अगर वो एक भी मिस हो जाती है ना तो दिखता है बिकॉज हम लोग साथ में डांस कर रहे हैं तो अगर वो मैं बीट पकड़ती हूँ पारस नहीं पकड़ते हैं ना तो
वो एक चीज़ कम से कम 10-20 बार वो ही करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। पारस की बॉडी स्टिफ है, ग्रूव्स में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इन दी एंड मैं पारस को यही बोलती हूँ कि हमें मज़े करने हैं परफॉर्मेंस में, स्टेज पे मज़े करने हैं, ताकि ऑडियंस तक हमारा वो पॉजिटिव और फन लविंग बिहेवियर उन तक पहुँच पाए। जजेस की बात की जाए तो जजेस के हिसाब से मतलब माधुरी है और मतलब करण जौहर है, नौरा फतेही है, उनके उनके सामने परफॉर्म करना कितना मुश्किल है कितना आसान है आप लोग के लिए? हमारे शो के जो जजेस हैं झलक दिखला जाएगी, करण जौहर है, माधुरी मैम है, नौरा फतेही हैं, एंड अगर आपने तीनों के नाम सुनोगे ना तो आप सोचोगे अरे बाप रे, नौरा फतेही ऑलरेडी शी इज़ अ डीवा, देन माधुरी मैम इज़ लाइक एवरीवन इज़ फेवरेट। हम सब ने बोलते हैं डांस का दूसरा नाम इज़ माधुरी दीक्षित, तो ऊपर से करण जौहर सर जिनको थोड़ी थोड़ी यू नो सेट से लेके कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज़ उनके सामने परफॉर्म करना मींस छोटी से छोटी बारीकियों पे काम करके उनके सामने परफॉर्म करना, तो हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ डिटेलिंग पे काम करके अपना परफॉर्मेंस रेडी करना पड़ता है ताकि हम उनसे परफेक्ट स्कोर अच्छे कॉमेंट्स पा पाए। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने फैन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वॉचिंग झलक दिखलाया जा, क्योंकि बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज आने वाली हैं आप सबके सामने, एंड मुझे और पारस खलनावत को बहुत सारा प्यार दें, एंड वी ऑल लव यू, थैंक यू। बहुत खास मोमेंट है, बहुत सालों से मैं सोचता आ रहा था कि यार मैं डांस से बहुत दूर होता जा रहा हूँ, डांस छूटता जा रहा है एक्टिंग करते करते, क्योंकि कोई भी किरदार मैंने पिछले 7-8 सालों में जो निभाया है वो सीरियसली डांस नहीं करता उस शो में या उस फिल्म में या उस वेब शो में, बहुत हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक किरदार थे, ड्रीम सीक्वेंस में एक हाथ कर लिया तो मैं ना प्रोफेशनल स्पेस ऑफ डांसिंग में वापस जाना चाहता था, क्योंकि 15 साल पहले मैं किया करता था डांस प्रोफेशनली, तो वो मौका वो अवसर झलक का मंच मुझे दे रहा है, चूँकि एक कॉम्पिटिटिव मंच है, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको सीरियसली लेते हो, आप इसको ऐसे ही जाके मैं थोड़ा सा कर लूँगा, एटीट्यूड दिखा दूँगा, स्टाइल मारूँगा, थोड़े लटके झटके दूँगा और हो गया, ऐसा नहीं, इतना लाइटली ये नहीं होता, तो और ग्लोबल मंच है, ग्लोबल ऑडियंस है इसको, आज सिर्फ भारत देश में नहीं तो बाकी देशों में भी इसे फॉलो किया जाता है, वहाँ पर जो हिंदुस्तानी रहते हैं या वहाँ के लोग रहते हैं वो भी इसे फॉलो करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे आपका कंपटीशन बढ़ता है, तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना ही होगा। सर आप अपने आप को कितना लकी मानते हैं कि आप झलक दिखला जा में कंटेस्टेंट आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ यार, मतलब दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ हैपेंड इन द लास्ट 2 मंथ्स, कि कलर्स टीम ने मुझे पूछा कि आप ये करना चाहोगे हमारे साथ, और अगर वो ये अवसर या अपॉर्चुनिटी दे रहे तो उसको मैंने इमीडिएटली ग्रैब कर दिया, बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एक अवसर मिला अपने आप को बेहतर आर्टिस्ट बनाने का, ज़्यादा मतलब अभिनय हो, मेरा शरीर हो, मुझे समझ में आया कि मैं कितना अनफिट हूँ जब मैं डांस करना शुरू कर दिया, कि सिर्फ जिम में डंबल्स उठाते हैं हम लोग लेकिन बॉडी जकड़ती जाती है, मसल्स स्टिफ होते जाते हैं, तो वो सारे खुल रहे हैं अभी एक एक करके, कई कई सारे मसल्स जो कोमा में चले गए थे, जो जिंदा है पता भी नहीं था, तो वो सारे जाग रहे और एकदम से नॉक नॉक कर रहे कि भाई कहाँ से, हाँ अभी हिलना शुरू हो गया तो वो एकदम से ऐसे लग रहा है कि अरे बाप रे तू भी है, हाँ आ जा आ जा बेटा, तो वो सब दर्द कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कितने अनफिट हैं हम, और पूरी युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा, आप जिम में जाते हो डंबल्स उठाते हो लेकिन यार आपको स्ट्रेचेस करें, 1.25 घंटा मेरी जो पार्टनर है रोमशा वो मुझसे स्ट्रेचेस करवाती है रोज़, पसीने छूटते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। जजेस की बात की जाए तो जजेस में आपको जो है कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं आपको? नहीं, दिस इज़ द बेस्ट जूरी पैनल दैट वन कुड हैव फॉर अ डांस रियलिटी शो, मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन हो सकता है ये, मैं मॉडेस्टली या कुछ भी डिप्लोमेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों आपको बताता हूँ, एक जज ये ऐसे हैं जो सिनेमा को पूरी तरह से समझते हैं, उसको एस्थेटिकली समझते हैं, उसको प्रोडक्शन वाइज समझते हैं, उसको मार्केटिंग वाइज समझते हैं, तो वो एक कलाकार को जज करने वाले हैं बैठ के, जो सिनेमा के दिग्गज है, सिनेमा को पूरी तरह से समझते हैं और बनाते हैं। दूसरी जो है वो इंडिया की आज तक की सबसे या दुनिया की सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक है, वैसा ना कोई हुआ है ना है ना रहेगा, तो उनके पर्सपेक्टिव से वो अभी एक कलाकार को देखने वाले, एक आर्टिस्ट को देखने वाले। और तीसरी जो है जो डांस टेक्निकली इतना परफेक्ट करती है कि आप डांस अपनी एनर्जी में या कनेक्ट में मार लो, लेकिन वो बारीक से बारीक चीज़ टिप के आपको बताएगी यार तेरा वो टो का टिप था ना वो सीधा नहीं था,
तेरा हाथ का लाइनिंग गलत रहा वहाँ पे, तो वो उस बारीकी से आपके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेगी। तो ये तीनों का जो कल्मिनेशन है, तो एक कलाकार के बतौर अगर आप वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट जा रहे हो तो आपको तीनों पर्सपेक्टिव से आपको इनपुट्स मिले। सोचो एक कलाकार के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये कि आपको तीनों पर्सपेक्टिव से आप जज किए जाने वाले हो। तो ये जो इनपुट्स उनसे मिलेंगे सिर्फ झलक दिखला जा के लिए नहीं है, आगे चल के भी एज एन एक्टर बहुत काम आएंगे मेरे ज़िंदगी में। गाना मतलब अब मैं पहला गाना तो रिवील नहीं करूँगा अभी, 3 सितंबर को आप एपिसोड में देख लो, नहीं तो उसका मज़ा चला जाएगा, उसका सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा। लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर के सारे डांसेस कर रहा हूँ पहले ही इससे, मुझे रोमचा बहुत पसंद है जो मेरी पार्टनर है वो, कि उसने मेरा जो कम्फर्ट जोन है डांस स्टाइल का, जो बॉलीवुड हॉप है जो हमेशा से मैं करता रहा, कि बॉलीवुड और हिप हॉप का थोड़ा सा फ्यूजन होता है, वो हमने नहीं किया है। पहले एपिसोड में हमने कॉन्टेम्प्रेरी और फ्री स्टाइल किया है जो मैंने आज तक कभी किया नहीं था। तो हमने कंफर्ट जोन को तोड़ना शुरू कर दिया कि जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो मत करो, जो आपके लिए मुश्किल है उसी से शुरू करो ताकि आप अपने आप को पुश करोगे और बेहतर होने के लिए। और दूसरे परफॉर्मेंस में मैं जैज़ कर रहा हूँ जो वापस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। तो हम अपने कम्फर्ट जोन को तोड़ तोड़ के अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं ताकि हम अपने आप को पुश कर पाए, हम ईजी ना हो जाए कि अरे चलो ये तो मैंने अच्छा कर लिया, लोगों को अच्छा लग गया, अरे ये तो मैं 15 सालों से करते आ रहा हूँ, अब मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ हर एक परफॉर्मेंस के साथ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। तो सारे इंटरनेशनल डांस स्टाइल्स, इवन इंडियन डांस स्टाइल्स, हम सेमी क्लासिकल भी ट्राई करेंगे आगे जाके, जो मैंने पहले नहीं किया है वो चीज़ें हम जानबूझ के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये मंच उसी के बारे में तो है। यहाँ पे आके आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे आके आपको वही चीज़ें करनी जो आप पहले नहीं की है आपने। यू मोस्ट वेलकम। अरे झुमका बंदी, अरे पास में आ रहा है।
अजय भाई थोड़ा हाथ पीछे ना। गाइस वन सेकंड नोरा जॉइन हियर हियर वन सेकंड नोरा पीछे आ कहाँ था वहीं पे आ ये देख रहे हो ये देख रहे हो देख देख अच्छा तू बता मैं पहले बोलूँ ये गलत हाँ ये भाई मैं कैसे कर रही हूँ भाई देखो करण भाई पीछे खड़ा कोई आ नहीं रहा है ऑलिंपिक सेंटर सेंटर डन तेरा कैमरा आ रहा है हाँ मौसम राम भाई बवाल थी जो Thank you everyone. Thank you. Next Saturday, 8 p.m. Please, judges. Thank you. Thank you so much. Only judges.